हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का। विधान मंडल, हम संसद पढ़ा चुके हैं, विधानसभा लोकसभा पढ़ा लोकसभा राज्यसभा पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता था पॉइंट वाइज लिखवा दिए हैं। और चलिए आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे प्रांत, राज्य नहीं। तो राज्य का जो चर्चा है वो कितना में है, भाग 6 में है, ठीक है। तो हम लोग उसी का देखेंगे विधानमंडल। हम लोग वहाँ क्या देखते थे, संसद नहीं। तो संसद का निर्माण किससे किससे मिलकर होता था, किससे किससे, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसी तरह यहाँ विधानमंडल, राज्य में विधानमंडल और केंद्र में संसद, ठीक है। तो विधानमंडल अनुच्छेद 168 के अंतर्गत आता है, उसमें क्या है, विधानसभा नहीं, विधानसभा जो राज्य में होता है, केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा, केंद्र में राज्यसभा और ये राज्य में विधान परिषद, ठीक है, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। तो विधानसभा का जिक्र अनुच्छेद 170 में है, ठीक, विधान परिषद का 171 में, और राज्यपाल को तो आप हम लोग जब राज्यपाल पढ़ेंगे तो स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग आज एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, विधानसभा को पढ़ेंगे। कल वाला टॉपिक में हम लोग विधान परिषद को पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो विधानसभा को फुल्ली कॉन्सेप्ट कीजिए अभी, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। विधानसभा में आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक। विधानसभा अनुच्छेद 170 के तहत इसका संरचना किया गया है, ठीक। विधानसभा में जो होता है, विधानसभा में चुनाव होता है। चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है। प्रत्येक 5 वर्ष में हम लोग क्या चुन के भेजते हैं, एमएलए चुन के भेजते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधान प्रत्यक्ष चुनाव होता है, हम लोग भेजते हैं, विधायक भेजते हैं, वहाँ पे अपना प्रतिनिधि पता है प्रत्येक क्षेत्र से, ठीक है। विधानसभा को विघटित किया जा सकता है, लोकसभा को भी विघटित किया जा सकता था, विधानसभा को भी विघटित किया जा सकता है, ठीक। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन आएगा विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का, तो 5 वर्ष का। विधानसभा में निर्वाचन के लिए जो उम्र है 25 वर्ष है, लोकसभा में 25 वर्ष था, विधानसभा में भी 25 वर्ष है, ठीक है। विधानसभा में कम से कम जो सीट है 60 और अधिक से अधिक 500 सीट होना चाहिए। कम से कम 60, 60 से कम नहीं हो सकता है, और अधिक से अधिक 500, 500 से अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन अपवाद है गोवा, गोवा में 40 सीट है विधानसभा का। मिजोरम, मिजोरम में भी 40 है। सिक्किम, सिक्किम में भी 32 है, ठीक है। तो यह अपवाद है, 60 से कम है कि नहीं, देखिए सब में 60 से कम है, तो यह अपवाद है। अनुच्छेद 371 के तहत इसको विशेष दर्जा दिया गया है, ठीक। याद रखिएगा एग्जाम में कि 60 से कम नहीं होना चाहिए और 500 से अधिक नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित हैं किस अनुच्छेद के तहत, तो 332 के तहत सीटें वहां पे आरक्षित है। याद रखिएगा अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, ठीक। जैसे लोकसभा में 2 इंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, उसी तरह विधानसभा में भी 1 इंग्लो इंडियन को मनोनीत करेंगे। कौन मनोनीत करेंगे, यहाँ पे राज्यपाल मनोनीत करेंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति, विधानसभा में राज्यपाल, एक ठो मनोनीत होगा अनुच्छेद 332 के अकॉर्डिंग, ठीक। धन विधेयक का निर्णय, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं है या नहीं है, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। विधानसभा के कार्यवाही को चलने के लिए, सदन को चलने के लिए, मतलब कोरम, कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए। वहाँ भी लोकसभा में भी 1/10 होना चाहिए था, यहाँ भी 1/10। विधानसभा में यदि मत बराबर हो जाए, कोई प्रस्ताव पारित हो रहा है, मान लिए कि दोनों तरफ से कोई प्रस्ताव पारित हो रहा है, मान लेते हैं कि इधर से भी 5 वोट पड़ गया, इधर से भी 5 वोट पड़ गया, नहीं तो क्या हो गया, मत बराबर हो गया, उस स्थिति में विधानसभा के अध्यक्ष वोट, फाइनल वोट दे सकते हैं, है ना। नहीं तो विधानसभा के अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि मत दोनों तरफ से बराबर हो जाए तो विधानसभा अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार है, और वो उस चीज को, मतलब जैसे ड्रॉ हो गया, मान ली इधर 5 इधर 5, है ना, तो ड्रॉ हो गया, तो 1 वोट विधानसभा अध्यक्ष किधर भी दे सकते हैं, वो निर्णायक मत साबित होगा। चलिए, मतलब क्या है, विधानसभा का तुलना लोकसभा से करेंगे, ठीक है, और विधान परिषद का राज्यसभा से, और राज्यपाल यहाँ पे,
तो हम लोग अभी राज्य को देख रहे हैं, ठीक, राज्य का विधानसभा टॉपिक को हम लोग सिर्फ देखें। इतना टर्म आप याद रखिएगा तो क्वेश्चन यहाँ से बाहर हमको नहीं लग रहा, नहीं जाना चाहिए। हम जितना भी सीटेट में भी क्वेश्चन आज देख रहे थे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। कल जो हम संसद का क्लास लिए थे उससे भी 6 to 8 में क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए हम लोग क्लास को आज यहीं रखते हैं, कल का वीडियो में हम लेकर आएंगे विधान परिषद को, क्योंकि एक ही वीडियो में दोनों टॉपिक बता देना वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। चलिए मिलते हैं हम लोग कल।